नमस्कार दोस्तों, और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। और नई साल की शुरुआत है, 2021 है। 2021 का मेरा ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके 1000% 2000% प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। आप ये वीडियो एंड तक देखना, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना, और कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछना। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग 1000% 2000% तक प्रॉफिट कमाएंगे, और अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को आप काम देंगे, आप अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करेंगे। आज हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे कार, बाइक, शू, हैंडीक्राफ्ट, सुई धागा, हाथी घोड़ा, जो भी आप मिलेंगे ना, हम सारी चीज़ों का आज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें हम भेजेंगे, और बस पैसा कमाना है अपने को। 200% प्रॉफिट, 1000% प्रॉफिट है इस वीडियो को देखने के बाद, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के बाद। भैया मुझे तो इतना पता है, बस पैसे कमाने अपने आपको। कैसे आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करके 2021 में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं? चलिए, आपने ये हाथी घोड़ा कार हेलीकॉप्टर सुई धागा सब इम्पोर्ट कर लिया या एक्सपोर्ट कर दिया, चलिए मान गया आपको सब पता लग गया, आपको कैसे इंपोर्ट करना है। 4436 सीएचए पड़े हैं, आपने किसी तरह के थ्रू इंपोर्ट कर लिया, आपको पता लग गया कि भाई किस तरीके से करना है। बट आपने कभी सोचा है कि करना क्या है? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। कौन सा प्रोडक्ट करना है, कौन सी कंट्री में करना है, या कौन सा कंट्री से कौन सा प्रोडक्ट मंगाना है, और बेचना कहाँ पे है? ये मुझे लगता है कि वो एस्पेक्ट है ना, जो कि हर एक जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाता है, इस एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं वो मिस कर जाता है कि प्रोडक्ट कौन सा एक्सपोर्ट करना है, कौन सी कंट्री में करना है, या कौन सा प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना है, और इंडिया में उसको बेचना कैसे है। ये अगर आप नहीं जानते, ये ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हैं जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या जो इम्पोर्ट करके आप बेच रहे हैं, वो बेच के आप पैसा कमाओगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके पैसा नहीं कमाओगे भैया आप। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से होता है ये सारा हिसाब किताब। ये दूसरे क्रिएटर सिर्फ कहते हैं ना कि बहुत सारा पैसा कमाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ, 200% प्रॉफिट, 3000% प्रॉफिट, 10000% प्रॉफिट। तो थोड़ा सा उस मिथ को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं 2021 की शुरुआत में ही, और थोड़ा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट, क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं इस बिज़नेस को शुरू करने के, क्या बेसिक फंडामेंटल है किसी भी बिज़नेस को शुरू करने का, अपना एक ब्रांड क्रिएट करने का, एक अपनी मार्केट बनाने का, अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाने का। आप सामान बेच के पैसा कमाओगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके पैसा नहीं कमाओगे, आपको स्मगलिंग तो कर नहीं रहे, जब आपने बस कूड़ा भेज दिया और उसके ब्याज पर ड्रॉबैक ले लिया, या स्क्रैप ले आया, उसके अंदर नया नया माल भर के ले आया। अगर आपको ऐसा करना है तो जी आप जा सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल क्यों है, कौन सा पार्ट है जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है इस बिज़नेस के अराउंड, तो इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू मिले तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके मेरे से कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपना एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी एक कंपनी बना सकते हैं, और किस तरीके से आप अपने आप को मार्केट में एक प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं जिससे कि आपको पैसा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बोट ने किया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नॉइस करता है, बोट करता है, इनकी कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, इन्होंने भी शुरुआत करी थी छोटे से। OEM और जो दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, उस तरीके के प्रोडक्ट्स आए थे चाइना से, इन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू बनाई, ब्रांड बनाया, उसके बाद इन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर तो इतना पैसा कमाया। ओवरसीज़ में मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया में प्रोक्योर करके ये लोग सेल करते हैं, इनकी एक ब्रांड वैल्यू है, पैसा वहाँ से आता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं आता भैया पैसा, पैसा आपको सामान बेच के मिलता है। तो सबसे मेन क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट योर ओन कंपनी एंड योर ओन ब्रांड। आप किस तरीके से अपनी कंपनी सेटअप करोगे, अपना एक ब्रांड बनाओगे, जो बेसिक फंडामेंटल्स है किसी भी काम को करने के लिए। आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करोगे ना, कोई भी, चाहे वो झाड़ू पोछे की कंपनी हो, चाहे वो CHA फर्म हो, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक फर्म हो, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपकी एक आइडेंटिटी होती है मार्केट में, लोग आपको एक आइडेंटिटी, आप एक पर्टिकुलर सर्विस की वजह से, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से आप जाने जाते हो मार्केट में, तो उसको क्रिएट करना सबसे बेसिक फंडामेंटल है इस काम में। आपको पहले ये देखना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच सकते हो इंडिया में इम्पोर्ट करके, पैसा वहीं से आएगा, पैसा सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भेजोगे, क्या भेजोगे और क्या ही खरीदोगे बाहर से। चलो खरीद मान लिया, आपने सारे सर्टिफिकेशन ले लिए, दुनिया भर का ब्लूटूथ हेडफोन मंगा लिया, अब वो सारा करने के बाद आपका इतना कॉस्टिंग आ गया, आप बोट उसके आधे से आधे दाम में बेचेगा, तो आप कैसे करोगे?
तो ये बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का, सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को ही नहीं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सिलेक्शन, भैया कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे, कुछ इम्पोर्ट करोगे या कुछ एक्सपोर्ट करोगे, तो इंडिया में खरीदने वाला भी तो होना चाहिए या ओवरसीज़ में खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। क्या भेजोगे, भेजोगे तो खरीदेगा कौन, ऐसा तो नहीं आपने पूरा कंटेनर बुक करके भेज दिया और पोर्ट पे जाके सेल लग गई, भाई मेरे को दे दो, मेरे को तो सरोजनी मार्केट में लगती है। तो प्रॉपर बायर तो बनाओगे, प्रॉपर प्रोडक्ट का अपना क्वालिटी तो बनाओगे, पहले बायर तो ढूंढोगे, पैसा तो वहीं से आएगा, या कोई आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपको उसको बेचना भी तो है इंडिया में, तो पैसा सारा वहाँ से आएगा। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो एक कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना है ओवरसीज, या कौन सा प्रोडक्ट ओवरसीज से प्रोक्योर करके इंडिया में बेचना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ना कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करके 2000% प्रॉफिट कमाना। तो प्रोडक्ट आप ढूंढिए कि कौन सा प्रोडक्ट आप इंडिया में बेच सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप ओवरसीज में बेच सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अब आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, सपोज आपने कोई भी इम्पोर्ट का, मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी इम्पोर्ट किया है, कोई आप हेडफोन इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हेडफोन को इम्पोर्ट करने के लिए ब्लूटूथ हेडफोन ही चलेगा, वायर वाला तो करेगा नहीं आप। ब्लूटूथ हेडफोन में WPC सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए होता है, वायरलेस प्रोडक्ट सर्टिफिकेट। तो वो प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट लेने में ही आपकी इतनी कॉस्टिंग आ जाएगी कि इनिशियली आप उस प्रोडक्ट का आपका कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आप मार्केट में बेच ही नहीं पाओगे। तो कैसे होगा, आपको पहले अपने कंपटीशन को देखना है, कंपटीशन को एनालाइज करना है, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीटर्स कौन कौन है मार्केट में ये देखना है आपको, उसके बाद अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉस्टिंग सारी निकालनी है। और मैं ये भी बताऊंगा कि इनिशियल लेवल में आप बिना किसी सर्टिफिकेट के कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट, या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी, बहुत ही कम खर्चे में, मैं वो वेज भी बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, चाहे आपने प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया है, एक बायर भी है आपके पास, तो शुरुआत कैसे करनी है, छोटे से शुरुआत करनी है, एयरफिट से शुरुआत करनी है, एलसीएल से शुरुआत करनी है, पूरा कंटेनर बुक करना है, तो उसका मैं पार्ट लास्ट में बताऊंगा। तो आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा, लास्ट में इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक है प्रोडक्ट सिलेक्शन और एक है आपका कंपटीटर्स को आइडेंटिफाई करना मार्केट में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट तुरंत इंपोर्ट करके मार्केट में बेच ही नहीं पाओगे, तो इंपोर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, या आपके प्रोडक्ट आपको ओवरसीज़ में बायर ही नहीं मिल रहा तो आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना और अपने कंपटीटर्स को आइडेंटिफाई करना, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किसी। अब शुरुआत कैसे करनी है, अब शुरुआत लोग मेरे से पूछते हैं कि यार मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचूं, यार प्रोडक्ट तो आप ही को सेलेक्ट करना है ना, मैं कैसे बताऊंगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच सकते हो, इसकी डिमांड है वो देखो, आप आइडेंटिफाई करो। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, फीओ की वेबसाइट्स है, फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया की, फिर आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है, वहाँ पर दुनिया भर के बायर्स हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट में तो आई गेस अपने अपने ही प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर सकते हो, वहाँ पर अच्छा ट्रैफिक भी आता है। फीओ की वेबसाइट से आप कंप्लाइंसेस चेक कर सकते हो, कौन से कंट्री में किस प्रोडक्ट की डिमांड है वो आप चेक कर सकते हो। फिर इम्पोर्ट में तो आपको पता ही है कि आपको पता होना चाहिए कि लोकल मार्केट में आप कौन सा सामान बेच सकते हो, उसका प्रोडक्शन चाइना से आप इम्पोर्ट करके आपको सस्ता पड़ेगा या लोकल मार्केट से प्रोक्योर करके आप बेच सकते हो उसको। तो ये सारी चीज़ें तो आप ही को डिसाइड करनी पड़ेगी ना। चलिए अब ये तो हो गया कि आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, अपना ब्रांड बना लिया, कंपनी रजिस्टर कर ली, अब आपको शुरुआत कैसे करनी है। देखिए एक्सपोर्ट की बात करें, अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो शुरुआत में सैंपल ही भेजोगे, तो सैंपल के लिए आप कुरियर का इस्तेमाल कर सकते हो। 45 किलो से जो भी नीचे होता है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप कुरियर में लीजिए फेडेक्स के थ्रू, क्योंकि उसमें आपको ओवरऑल कॉस्ट मिलता है इंक्लूडिंग ड्यूटी, जिस भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के लिए। तो आप कुरियर फॉर्म को, एक्सप्रेस कार्गो को प्रेफर दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं शुरुआत में सैम्पलिंग के लिए। इम्पोर्ट के केस में भी सेम है, इम्पोर्ट के केस में भी आप पर्सनल, इम्पोर्ट के केस में तो खैर आप और वो कर सकते हो, जैसे कि एक दो प्रोडक्ट मंगवाने हैं तो आप पर्सनल इम्पोर्ट विदाउट आईसी कोड भी कर सकते हो, जब आप पर्सनल लेवल पे मंगवा रहे हो। जब वो कमर्शियल लेवल पे, जैसे कमर्शियल और पर्सनल में ये होता है कि वो प्रोडक्ट जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए होना चाहिए, वो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने एक बोतल प्रोक्योर, एक बोतल आप ले सकते हो, चाहे वो एक बोतल जो वैल्यू वगैरह है, कितने तक वैल्यू तक ड्यूटी फ्री है, वो सारा मैंने अलग वीडियो बनाया है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि पर्सनल इंपोर्ट क्या होता है और कमर्शियल इंपोर्ट ये होता है। पर्सनल इंपोर्ट होता है जो आपके सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, कमर्शियल इंपोर्ट वो होता है जो आप इंपोर्ट करते हैं विद अ सेंस ऑफ सेलिंग इट टू अदर, आप एक बिजनेस की तरह उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, फिर आप उसको बेचेंगे। तो शुरुआत में आप कुरियर फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, फिर जब आपका थोड़ा बढ़ जाता है तो आप एयर फ्रेट को यूज़ कर सकते हैं। एयर फ्रेट में होता यह है कि बहुत जल्दी आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाता है या आपके बायर तक पहुंच जाता है। उसके बाद LCL, लेस देन कंटेनर लोड। लेस देन कंटेनर लोड क्या होता है, लेस देन कंटेनर लोड में ये होता है कि एक कंटेनर होता है उसके अंदर बहुत सारी पार्टीज़ का माल होता है, आपको पूरा कंटेनर बुक करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका आप अगर सपोज आपको 500 किलो माल या 1000 किलो माल भेजना है, तो आपका अब क्या होगा कि आप अगर एयर से भेजोगे तो उसमें पैसा बहुत लगेगा, क्योंकि एयर में पर किलो के ऊपर चार्ज होता है।
और सी में क्या होता है, सी में एरिया के ऊपर चार्ज होता है, आपका कितना एरिया ले रहा है वो सी में एयर के कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो आपका अगर इतना माल है जो कि पूरे कंटेनर से कम है बट एयर वाली क्वांटिटी से ज़्यादा है, तो आप LCL चूज़ कर सकते हैं। LCL में क्या होता है कि एक कंटेनर, एक फॉरवर्डर होता है बीच में, वो एक अपने नाम पे कंटेनर उठाता है, उसमें बहुत सारी पार्टियों का माल लेके भरता है और फिर उसको चला देता है, सारी पार्टियों से वो अलग अलग चार्ज कर लेता है और शिपिंग लाइन को वो अपनी तरफ से दे देता है पैसा। तो इसे कहते हैं LCL बेसिकली, एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टीज का माल जाना। अब आपने ये सारा भी LCL भी कर लिया, एक्सपोर्ट भी कर लिया, अब आपका प्रॉपर बिजनेस सेटअप हो गया, तो आप कंटेनर बुक करके डायरेक्ट आपने भेज सकते हो या डायरेक्ट आप इम्पोर्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक फंडा होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू करके अच्छा प्रॉफिट कमाने का। और जैसे कि मैं पूरे वीडियो में मैं बता रहा था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से आपको पैसा नहीं आता, प्रोडक्ट को बेच के या प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करके लोकल मार्केट में बेच के आपको पैसा कमाना होता है, ना कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। प्रॉफिटेबल होता है जो आप प्रोडक्ट ओवरसीज में बेच रहे हैं या तो प्रोडक्ट ओवरसीज से ला के इंडिया में फर्दर प्रोसेसिंग करके या डायरेक्ट उसको सेल कर रहे हैं। तो सारा जो पैसा आता है वो वहाँ से आता है। मैं देखता हूँ कि दूसरे क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लिक बेट करते हैं कि 2200% प्रॉफिट आप ये इम्पोर्ट कर लेंगे या एक्सपोर्ट कर लेंगे तो, या 2000-10,000% प्रॉफिट। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, पैसा आपको प्रॉफिट प्रॉफिट जो आएगा वो आपको प्रोडक्ट को बेच के आएगा ओवरसीज़ मार्केट में या ओवरसीज़ मार्केट से इम्पोर्ट करके लोकल मार्केट में। तो ये ओवरऑल फंडा था 2021 का बेसिक, कि आप कैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कोई सा भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है, थोड़ा सा आपको लगा है कि हाँ भाई मैंने कुछ अच्छी नॉलेज देने की कोशिश की, तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो जी, मेरा नाम है दीपांकर, मैं भी एक CHA हूँ, कस्टमर ऑफ एजेंट। आप सभी का धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।